गाइस तो आजकल अभी गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं और मैंने सोचा यार अभी हम लोग काफ़ी टाइम तक घर में पड़े रहेंगे ना, मतलब 1-2 महीने तक छुट्टी होती है मोस्ट स्कूल की। तो मेरा मूड हो रहा था इन दिनों कि हम लोग कोई बोर्ड गेम खेलते हैं घर के अंदर, लेकिन फिर मुझे याद आया कि यार मेरे पास तो है ही नहीं, बचपन में तुम लोगों ने सच में चेस खेला होगा। मेरा भी काफ़ी मूड हो रहा था कि मैं भी चेस खेलूँ अपने घर के अंदर, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग अपने माइनक्राफ्ट के अंदर बनाएं चेस को। इसके अंदर मैं तुम लोगों को पूरा बोर्ड बनाना सिखाऊंगा, उसके ऊपर अपने सारे के सारे पीसेस होते हैं ना, मतलब ऊंट क्वीन जो भी। और मैं आजकल सोच रहा था गाइस हम लोग अभी एक सर्वाइवल सीरीज भी करेंगे, मैं सोच रहा था, और हम लोग कभी ना कभी एक SMP भी ज्वाइन करेंगे, मतलब ज्यादा देर नहीं होगी उसके अंदर। तो अभी के लिए तो हम लोग अपना चेस बनाना शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो गाइस सबसे पहले तुम लोगों को क्या करना है, अपने चेस के बोर्ड की बाउंड्री बनानी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हम लोगों की। ये एग्जैक्टली हम लोगों की 42x42 ब्लॉक्स है हम लोगों की वो होने वाली है। ये हम लोगों की पूरी एज बना रहा हूँ मैं, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा रेगुलर चेस सेट के अंदर क्या होता है ना, ऐसी वुड की बाउंड्री होती है या फिर प्लास्टिक का हो तो ब्राउन या फिर ब्लैक कलर का दे देते हैं वो लोग। तो मैंने सोचा हम लोग ब्राउन का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो चेकर पैटर्न होने वाला है ना, मतलब चेस के अंदर जो सारे के सारे ब्लॉक होते हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं व्हाइट कॉन्क्रीट और ब्लैक कॉन्क्रीट। और मैं ज़्यादा ब्लैक कलर को बार बार रिपीट नहीं करना चाह रहा था ना, तो मैंने सोचा ब्राउन हम लोगों के लिए बेस्ट इक्विवेलेंट है। ये तो अभी मैं ब्राउन कॉन्क्रीट का यूज़ कर रहा हूँ। मैं तुम लोगों को पहले रिकमेंड करूँगा कि तुम लोग क्या करो, ये जो पूरा का पूरा बोर्ड है ना, ये पहले इसको बना लो और फिर अंदर ब्रेक करते रहना अपनी चीज़ों को। अब गाइज मैंने उसको सेट कर दिया पूरी इन्वायरमेंट को। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने वो बनाते हैं पैटर्न को। तो ये बहुत ही सिंपल है, बस तुम लोगों को क्या करना है, अपने 5x5 स्क्वायर बनाने हैं ऐसे चेकर पैटर्न में। ये मैं व्हाइट कॉन्क्रीट और ब्लैक कॉन्क्रीट का यूज़ कर रहा हूँ। तुम लोग किसी भी पैटर्न में इसको बिल्ड कर सकते हो, बस ये पैटर्न सेम निकलना चाहिए मतलब रिजल्ट में ना। इसके अंदर ज़्यादा स्पेसिफिक बिल्डिंग मेथड का यूज़ नहीं है, बस तुम लोगों को रिपीट करते रह जाना ही है। ये पूरा का पूरा तुम लोगों का ज़्यादा देर नहीं लेगा, ये मतलब अबाउट 10 मिनट में आराम से बना लोगे अगर तुम लोग सही से बनाओ ना। तो अभी तो हम लोग इसकी मैं ऐसे कर रहा हूँ कि पहले बाउंड्री बना ली इसकी और फिर मैंने फाइनली अंदर फिल इन कर दिया। तुम लोग जो भी चाहो, तुम लोगों का फेवरेट मेथड हो मतलब ऐसी फिलिंग वाली चीज़ों का ना, तुम लोग कर सकते हो। चलो हल्का सा जूम आउट करते हैं, तुम लोगों को यहाँ से और ज़्यादा क्लियर व्यू मिल जाएगा कि मैं कितने यहाँ पे कर रहा हूँ ना। ये काफ़ी ईजिली हम लोगों का पैटर्न बन जाएगा। और हाँ गाइस, तुम लोगों को एग्जैक्टली 42x42 और ऐसे ही बनाना है, क्योंकि हम लोगों का जो बोर्ड का जो काउंट होता है ना, मतलब कितने पीसेज होंगे और ये सब, वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है। तो ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये अपना पॉन बनाते हैं, वो जो छोटा वाला पीस नहीं होता वो सबसे सामने। तो तुम लोगों को पहले अपनी स्टेयर्स कुछ ऐसे लगा देनी है, उसके ऊपर से एक ब्लॉक एक्सटेंड करना है। यहाँ पे उल्टी स्टेयर्स लगा के तुम लोगों को सीधी स्टेयर्स लगानी है, ऊपर तुम लोगों को एक अंदर एक ब्लॉक लगाना है और उसके ऊपर एक स्लैब लगा देना है। मैं फिर से इसको बना के दिखा देता हूँ तुम लोगों को, ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए ना ये। और वैसे गाइस काफ़ी सिंपल है। मैं क्या कर रहा हूँ, अपने जो व्हाइट वाले पीसेज हैं ना, उनके लिए मैं अपने स्मूथ क्वार्ट्ज का यूज़ कर रहा हूँ, और हम लोगों के अपने जो ब्लैक वाले पीसेज हैं ना, उनके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने पॉलिश ब्लैक स्टोन का। तो काफ़ी ईजिली ऐसे करके तुम लोग अपने सारे चेस पीसेज बना सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा तुम लोग सेम ब्लॉक से बनाओ, मतलब उनको ना, मतलब अपने सेम पीसेस को, क्योंकि है ना, अगर नहीं करोगे तो हल्का सा पैटर्न अजीब हो जाएगा ना। तो गाइस अभी हम लोग प्रेजेंटली अपने सारे के सारे पॉन्स को क्रिएट कर देते हैं। ये हम लोगों के व्हाइट साइड के हो गए। अब तुम लोगों को क्या करना है, बस इसको पूरा रिपीट कर देना है अपने पॉलिश ब्लैक स्टोन से। तुम लोग सोचोगे मैंने पॉलिश ब्लैक स्टोन का यूज़ क्यों किया, मतलब इसके अंदर हल्का सा ज़्यादा टेक्स्चर है ना, मतलब वो क्या बात है, जैसे अगर मैं यहाँ पे अपने ब्लैक कॉन्क्रीट या फिर कोई भी और ग्रे ब्लॉक का यूज़ करूँ तो क्या होता है, जो हम लोग के माइनक्राफ्ट के मोस्ट कलर्ड ब्लॉक्स होते हैं ना, उनके अंदर वो टेक्स्चर नहीं होता और मतलब वो ज़्यादा ही वो हो रखे होते हैं, मतलब बस ब्लॉक ही होता है तुम्हारे पास, ना ही स्लैब होते हैं नई स्टेयर होती है, मतलब ऑलमोस्ट कुछ नहीं होता, बस प्लेन ब्लॉक होता है। तो इसलिए मैंने इसका यूज़ किया अपने पॉलिश ब्लैक स्टोन का, ये बेस्ट इक्विवेलेंट लगा और काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका टेक्सचर। तो अभी ने हम लोगों ने अपने पॉन बना दिए सारे। अब हम लोग अपना हाथी बनाते हैं। हाथी अगर तुम लोग है ना बोलते हो इंग्लिश के अंदर तो बिशप भी होता है या फिर कासल भी बोलते हैं काफ़ी लोग। तो पहले तुम लोग ऐसे स्टेयर्स की बाउंड्री बनानी है। अभी हम लोग प्रेजेंटली 2 ऊपर ब्लॉक बिल्ड कर लेते हैं और अपने ऊपर वाले ब्लॉक की एजेस के ऊपर हम लोग अपनी अपसाइड डाउन स्टेयर्स लगाएंगे। उसके ऊपर तुम लोगों को अपने ऐसे करके ब्लॉक्स को एक्सटेंड कर देना है, 3 ब्लॉक है ना हम लोगों के, ऐसे करके तुम लोगों को एक ब्लॉक अंदर करके। और अब यहाँ पे इसकी भी एज पे तुम लोगों को अपनी स्टेयर लगानी है, जैसे हम लोगों ने नीचे किया था। ये
परफेक्ट। अब इसको इसके ऊपर ऐसे हम लोगों को टरेट बनाना है, मतलब छोटे छोटे वो टावर नहीं होते ना, और उनके ऊपर तुम लोगों को ऐसे करके अपने चेकर पैटर्न ही है ऑलमोस्ट वैसे, यहाँ पे भी अपने स्लैब लगा देने हैं। तो ऐसे करके ये काफ़ी अच्छा हम लोगों का ये कैसल बन गया है ना गाइस। तो अभी हम लोग अपने ब्लैक वाले को बना लेते हैं। अगर तुम लोगों को व्हाइट वाले में समझ में नहीं आया तो तुम लोग इसके वाले के अंदर तो डेफिनेटली समझ लोगे, मैंने एक और बार करके दिखा दिए ना। वैसे गाइस मैंने अभी है ना सोचा कि हम लोग बहुत सारे चेस पीसेस बनाने वाले हैं ना आज, तो मैंने तुम लोगों को अभी बस मतलब वो वाले दिखाए हैं अपने ब्लैक वाले और वाइट वाले। मैंने एक्चुअली रियल के अंदर मुझे दो दो बनाने पड़े थे। अगर तुम लोगों को पूरा कंप्लीट चेस चाहिए ना अपना, तो फिर तुम लोगों को भी ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब एक बार तुम लोग बना लो तो आराम से पूरी बिल्ड को कर सकते हो। तो अभी हम लोग इसके भी टावर्स बना लेते हैं यहाँ पे ऐसे करके। यहाँ पे अपना पॉलिश ब्लैक स्टोन स्लैब लग जाएगा, ये मैं बोल रहा था ना, ये चीज़ नहीं कर पाते हम लोग अगर हम लोग नॉर्मल कलर्ड ब्लॉक का यूज़ करते हैं। अब चलो गाइस हम लोग अपने नाइट को बनाते हैं। नाइट और सबसे पॉपुलरली नोन एज मतलब ये हम लोगों का घोड़ा है ये, तो इसकी बिगनिंग तो अपनी बिल्कुल उसके जैसी ही, हम लोगों के कासल जैसी। अब यहाँ पे हम लोगों के चेंज आना शुरू हो जाते हैं। तुम लोगों को एक दो ब्लॉक की लेयर बनानी है और उसके ऊपर तुम लोगों को ऐसे करके एक और ब्लॉक करके एक्सटेंड कर देना है। अभी हम लोग उसके बाल बना लेते हैं पीछे से ऐसे करके, और एक और ब्लॉक ऊपर एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ पे स्टेयर के यूज़ करके और स्लैब्स के यूज़ करके मैंने बाल बना दिए हैं इसके। हम लोग अपने हॉर्स के चेहरे के सामने अपनी अपसाइड डाउन स्टेयर्स और नॉर्मल स्टेयर लगाए थे, और ऊपर भी। यहाँ पे हम लोग अपने पॉलिश ब्लैक स्टोन से क्या कर सकते हैं, अपनी आंखें बना सकते हैं हॉर्स की कुछ ऐसे करके। यहाँ पे हम लोग स्लैब से अपने कान बना देते हैं। और गाइज यहाँ पे एक छोटी सी मैं डिटेल डालना चाह रहा था हल्की सा अलग करने के लिए ना टरेट को टरेट से, तो मैंने यहाँ पे क्या किया अपनी उल्टी स्टेयर लगा दी है इंस्टेड ऑफ वो मतलब हम लोगों का एक ब्लॉक ना, और नीचे मैंने अपना ऐसे करके अपना पॉलिश वो डाल दिया कॉर्ड्स। तो अब हम लोग अपने ब्लैक वाले को बनाते हैं। अगर तुम लोग को समझ में नहीं आया तो तुम लोग इसको कॉपी करके आराम से बना सकते हो। और हाँ गाइस इंपॉर्टेंट बात, जो हम लोग का हॉर्स है ना उसके अंदर आंखें होती हैं एक्चुअली। तुम लोगों ने अगर रियल में चेस सेट देखा होगा ना डेफिनेटली, तो मैंने सोचा हम लोगों के जो यूजुअली होता है ना ये ऐसा मतलब ऑल्ट्रेशन, उसके अंदर क्या होता है मतलब अपने जो ब्लैक वाला घोड़ा होता है उसके वाइट कलर के जो हम लोगों के पीसेस होते हैं ना उसकी बॉडी के कलर की उसकी आंखें होती हैं, मतलब ब्लैक घोड़े की वाइट आंखें और अपने है ना वाइट घोड़े की ब्लैक आंखें। तो ऐसे करके हम लोग इसकी आईज बनाने वाले हैं। परफेक्ट गाइस, अब हम लोग क्या करते हैं अपने उसको बनाते हैं नाइट को। नाइट या फिर वो जो हम लोगों को ऊँट नहीं होता वो जो टेढ़ा चलता है, हम लोग वो बनाने वाले हैं। यहाँ पे तुम लोगों को दो स्टेयर्स के ऐसे सेट लगाने हैं। अब तुम लोगों को उसके ऊपर अपनी उल्टी स्टेयर लगानी है कुछ ऐसे करके। अब तुम लोगों को ऊपर एक ब्लॉक एक्सटेंड कर देना है अभी यहाँ पे, ये हम लोगों को ऐसे करके कर देना आराम से एकदम, और एक और ब्लॉक एक्सटेंड कर देना है। उस ब्लॉक के ऊपर तुम लोगों को अपनी उल्टी स्टेयर लगानी है, और यहाँ पे हम लोग अपने बॉर्डर्स के ऊपर अपने पूरे के पूरे एक लेयर बनाए थे। और अब हम लोग यहाँ पे अपनी सीधी स्टेयर लगा सकते हैं ऐसे करके। जो हम लोग का नाइट होता है ना या फिर ऊँट, वो बेसिकली मतलब हम लोगों के उसके जैसा होता है, वो अपने पॉन जैसा, लेकिन ये काफ़ी बड़ा होता है उससे कंपेरेटिवली मतलब। तो मैं भी वही करना चाह रहा था, तुम लोगों को ऊपर स्लैब लगा के ऐसे करके उसका एक गोल सा हेड बना देना है। तो ऐसे करके गाइस हम लोगों का ये ऑलमोस्ट एक बड़ा पॉन है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है बनाना, ही तुम लोग भी ऐसे बहुत ही आराम से बना सकते हो ये। तो गाइस अब हम लोग अपने ब्लैक वाले को बना लेते हैं, और काफ़ी जल्दी हम लोग का चेस्ट सेट है ना निकल के आ रहा है ना पूरा का पूरा, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। तो अभी हम लोग इसको पूरे को बनाना शुरू करते हैं अपने ये वाले नाइट को ना। ये यहाँ पे तुम लोगों को क्या करना है अपने बिल्कुल वैसे ही करना है, लेकिन अब वैसे कोई आंखें वाँखें नहीं है, तो फिर अब तुम लोगों को मतलब अपने स्मूथ उसकी कॉर्ड्स की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे ये वैसे एग्जैक्टली सेम है हम लोगों के पीसेस। वैसे अगर सोचा जाएगा इस तुम लोग इसको एक्चुअली मतलब पूरे के पूरे मैच को खेल भी सकते हो अगर तुम लोग तोड़ तोड़ के बनाओ ना, लेकिन आई थिंक डेकोरेशन के लिए डेफिनेटली बेटर है, हल्का सा टीडियस होगा। वैसे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा ये हम लोगों के वर्ल्ड के अंदर ना। तो गाइज मैंने अब अपना ब्लैक वाला भी बना दिया। अब हम लोग अपनी क्वीन बनाते हैं। क्वीन तो यार सबसे अच्छी पीस होती है पूरे गेम के अंदर, काफ़ी पावरफुल होती है। हम लोग इसको अपने उसकी तरह बनाएंगे, मतलब जैसे हम लोगों का वो था ना ये हम लोगों का ऊँट। बस यहाँ पे तुम लोगों को ऐसे करके एक लेयर बना देनी है अपने पत्थरों की इंस्टेड ऑफ उल्टी स्टेयर। यहाँ पे मैंने तीन अपने ब्लॉक लगाए हैं। अब उसके ऊपर तुम लोगों को एक ब्लॉक लगा के ऐसे करके एक पोडियम सा बनाना है। उस पोडियम के ऊपर एक और ब्लॉक प्लेस करना है और उसके अराउंड उल्टी स्टेयर लगा देनी है। और यहाँ पे तुम लोगों को एक और ऐसे करके एक वो बना देना है एक पोडियम। अब यहाँ पे कोने के अंदर हम लोग एक ताज सा बना लेते हैं अपनी क्वीन का।
इसको ऐसे करके तुम लोग उल्टी स्टेयर्स का यूज करके, सीधी स्टेयर्स का यूज करके और अपने ब्लॉक्स का यूज करके बना सकते हो। ऊपर एक और स्लैब डाल देते हैं, जो हम लोगों की क्वीन होती है ना, उसके जो क्राउन होता है, मेन डिफरेंस क्वीन और अपने मतलब किंग के बीच में जो फर्क होता है ना, बॉडी तो उनकी यूजली सेम होती है, तुम लोगों ने देखा होगा। मेन डिफरेंस होता है उनके ताज के अंदर, जो क्वीन का वो जो क्राउन होता है ना, वो होता है हम लोगों का यूजुअली ऐसा गोल था, तुम लोगों ने देखा होगा ना, जैसे एक्चुअली क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो पहनती थी ना, वो बिल्कुल वैसा। लेकिन जो हम लोगों का किंग होता है, किंग का ऐसा क्राउन होता है, उसके ऊपर एक क्रॉस होता है। तो इसका मतलब हम लोग काफ़ी इजीली किंग और क्वीन को सेम मेथड से बना सकते हैं, बस किंग के लिए हम लोगों को हल्का सा अलग क्राउन बनाना पड़ेगा। तो अभी तो मैं ब्लैक वाली क्वीन बना रहा हूँ, ये एग्जैक्टली हम लोगों की सेम होने वाली है। इसको तुम लोग देख सकते हो, अगर तुम लोग उसके साथ कैचअप नहीं कर पाए थे ना हम लोगों की, मतलब व्हाइट वाली क्वीन के साथ, इसको देख के तुम लोगों को डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ऊपर यहाँ पे एक और स्लैब डाल देते हैं हम लोग और ज़्यादा डिटेल के लिए ना। तो गाइस अब फाइनली हम लोग अपने आखिरी पीस को बनाते हैं, ये हम लोग का किंग होने वाला ही। इसको एग्जैक्टली तुम्हें क्वीन की तरह कैरी आउट करना है, ये तुम लोगों का काफ़ी आराम से बन जाएगा अगर तुम लोगों ने क्वीन बना ली ना ये। एक्चुअली आई थिंक ये हल्का सा ईजियर है ये क्वीन से। तो ये हम लोग का एग्जैक्टली वैसे ही सेम बनने वाला है। और हाँ गाइस, इम्पॉर्टेंट चीज़, जो हम लोगों का वाइट किंग है ना, तुम लोग उसको नोटिस करना, वाइट किंग हम लोगों का ब्लैक पे होता है, और हम लोगों का जो ब्लैक किंग है ना, वो हम लोगों का एक वाइट स्क्वायर पे होगा। तो ऐसे करके तुम लोग मतलब सही उससे बनाओ ना, मतलब एक होता है ऑर्डर चेस का। मेन चीज़ तो क्वीन और क्वीन की पोजीशंस होती हैं, इसलिए मैं तुम लोगों को ये बात अभी बता रहा हूँ। अब हम लोग अपना क्रॉस बना रहे थे, इंस्टेड ऑफ हम लोगों ने जो बॉल बनाई थी, यहाँ पे बस तुम लोगों को एक आराम से ऐसे क्रॉस बना देना है, और ऐसे करके हम लोग का किंग ऑलरेडी बन चुका है। तो अभी हम लोग अपने ब्लैक वाले किंग को बनाए थे। और हाँ गाइस, इस सब के दौरान मैं अपने सारे के सारे पीसेस को ना मतलब बनाता जा रहा था, मतलब हर एक कॉपी को दो दो बार बनाया मैंने ये सारे, तो मुझे काफ़ी प्रैक्टिस होगी ये सबसे। और ये हम लोगों का काफ़ी अच्छा निकल के भी आ रहा है चेस सेट, तुम लोगों को अभी देखेगा ना ये जूम आउट करके कितना प्यारा लग रहा है ये बहुत ही अच्छा है। मतलब ऑलमोस्ट इसको एक्चुअली पीवीपी का वो भी बना सकते हो तुम लोग, मतलब अरीना होती है ना, इसके अंदर अपने दोस्तों के साथ लड़ो, बहुत ही प्यारा लगेगा ना ये। ये हाइड एंड सीक के लिए भी अच्छा है, मतलब छोटे छोटे सीक्रेट स्पॉट्स हैं छुपने के लिए। तो ये बहुत ही प्यारा है ये चेस सेट। चेस तो अगर इस तुम लोगों से इस पर नहीं खेला जा रहा तो तुम लोग आराम से अपने दूसरे गेम्स खेल सकते हो। तो गाइज ये बन चुका है हम लोगों का, कितना प्यारा लग रहा है ना ये। और हाँ गाइज, अगर तुम लोगों को वैसे लूडो अच्छा लगता है, तो मैंने लूडो को भी बनाया था माइनक्राफ्ट के अंदर, ये एक्चुअली वर्किंग है, तो तुम लोग मतलब खेल भी पाओगे ना अपने दोस्तों के साथ। इसके अंदर मैंने डाइस भी बनाया है और सारे के सारे पीसेज हैं। तो अगर तुम लोगों को लूडो पसंद है तो डेफिनेटली उस वीडियो को जाकर भी चेकआउट करना, तुम लोगों को अभी तुम लोगों को अपनी एंड स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलो गाइज, अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए तो इतना ही, गुड बाय।